तो इस विषय पर मैं बोल चुका हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी बोल रहा हूं तो जैसा क्रिकेट में एक नाइट वॉचमैन का काम होता है, मुझे वो करना है। सच में पिछले 3 वर्षों में इस देश की अर्थव्यवस्था की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बने, उसका एक अपने आप में स्टूडियो में अद्भुत उदाहरण रहा है। मई 2014 में जब सरकार बनी थी तो लोग मानते थे कि देश में पॉलिसी पैरालिसिस है, विश्व की नजरों हम पे नहीं थी, वी वर ऑफ द ग्लोबल रेडार। उस वक्त कहा जाता था कि जो ब्रिक्स देश हैं उसमें जो आई है, जो इंडिया का प्रतिनिधि था ब्रिक्स में, शायद आई ब्रिक्स से हट जाए, यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी हम ना रहें। इसलिए सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और वो जिम्मेवारी ये थी कि एक बार फिर अपनी क्रेडिबिलिटी सरकार देश की बनाए। और अगर इस यात्रा को हम मुड़कर देखते हैं तो शायद जीएसटी इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन जीएसटी से पहले भी देखें तो देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट कर देना, हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म्स किए उसका असर यह हुआ कि 3 वर्ष पहले कहने वाले कि विश्व की नजरें भारत पे नहीं है, इंडिया इज ऑफ द ग्लोबल रेडार, आज 2 साल से लगातार लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट कहीं आता है तो हिंदुस्तान में आता है। और इसको हम एक अतिरिक्त साधन माने, एफडीआई इज एन एडिशनैलिटी ऑफ रिसोर्स, और उसी रिसोर्स के आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने में एक सहयोग भी मिलता है, उससे रोजगार भी बढ़ता है। एक बहुत बड़ा विषय था कि देश की राजनीतिक व्यवस्था से आरंभ होता था और नीचे तक जाता था भ्रष्टाचार, और लोग कहते थे कि देश में भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो पहले राजनीति से करो। राजनीति में भ्रष्टाचार इसलिए होता था कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और पॉलिटिकल फंडिंग का कोई एक ट्रांसपेरेंट साधन नहीं है, और सरकार के पास जो अधिकार रहते थे, डिस्क्रिशंस रहती थी, वो डिस्क्रिशंस हमने स्पेक्ट्रम एलोकेशन में देखी, कोल ब्लॉक एलोकेशन में देखी, मिनरल्स में देखी। तो सरकार में मोदी जी का सबसे पहले आग्रह था कि इन तमाम डिस्क्रिशंस को समाप्त कर दो और मार्केट मैकेनिज्म के साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को जोड़ दो। उसका असर यह हुआ कि आज सरकार से फेवर मांगने के लिए कोई नहीं आता, उसको अपने लैपटॉप के ऊपर बैठकर केवल बिडिंग करनी है और प्राइस बिडिंग करनी है। और मार्केट मैकेनिज्म के साथ जोड़ने में इसका एक लाभ भी हुआ, सरकार किसी विवाद में नहीं आई, कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं छोड़ी, और जो मैंने पिछले बजट में घोषणा की थी, आने वाले कुछ दिनों में
इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें टैक्स पेड मनी के माध्यम से पॉलिटिकल फंडिंग हो, उसकी व्यवस्था पे भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं काम करने में। पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के सामने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एफआईपीबी के सामने क्यों लगे रहते थे, 90% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आ रही है। मैंने इस बार घोषणा करके उसको कार्यान्वित भी कर दिया कि एफआईपीबी को समाप्त कर दिया। उसका असर यह हुआ कि हमारे नॉर्थ ब्लॉक के कॉरिडोर्स खाली रहते हैं, अब कोई वहां आकर चक्कर नहीं लगाता। वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मंत्रालय है। आप लोग डायरेक्ट टैक्सेशन से संबंध रखते हैं, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डायरेक्ट टैक्स में हमने सुविधा दी। कंपनीज जो 50 करोड़ तक की हैं उनको हमने 25% कर दिया टैक्स, ताकि जो सरप्लस बचेगा री इन्वेस्ट करें, उससे जॉब क्रिएशन होगा। और टैक्सेशन व्यवस्था को भी, रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन हो, क्वेरीज ऑनलाइन हो, असेसमेंट ऑर्डर ऑनलाइन आए, रिफंड ऑनलाइन हो, जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट तो असेसिंग अथॉरिटी का और असेसी का या किसी का न रहे। आधार कि देश में बायोमेट्रिक्स के माध्यम से जा सकते हैं या क्या करें, अभी एक बारी हर व्यक्ति का आधार नंबर है। और जितना भी सरकारी लाभ, ठीक है पहुंचाना है वो गरीब आदमी तक पहुंचे। लेट द पीएम कम इफ इन केस कुछ हो जाए तो वी कैन डिस्कस। उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाए, मैंने 2014 में पार्लियामेंट में कहा था कि व्हाट आर सब्सिडीज इन इंडिया, सब्सिडीज हैड अक्वायर्ड अ पोजीशन दैट इट वाज एन अनडिफाइंड अमाउंट बीइंग पेड टू एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन। वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन में आप और मैं भी थे। 2014 तक तो कुकिंग गैस सब्सिडी हमें भी मिलती थी और हम उस सब्सिडी को डिजर्व नहीं करते, हमारी आर्थिक स्थिति वो नहीं है। उसको समाप्त करके करोड़ों लोगों के जो गरीब लोग हैं बैंक अकाउंट में जाए, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम खड़ा करना, बैंक के साथ गरीब को जोड़ना, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाए, जो सारी व्यवस्था आधार के बुनियाद पर बने। आप लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, आपको पता है कि किसी भी व्यवसाय के लिए वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उसका दिवालिया पिट जाए, इससे बड़ा स्टिग्मा नहीं होता। और हमारे देश में व्यवस्था थी कि बड़े बड़े उद्योग 2008, 9, 10 में 2008, 9, 10 में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था से ले लिए, उसको सर्विस करने की व्यवस्था नहीं है, वापस करने की व्यवस्था नहीं है। और सरकारें देखती थी, अब इंसॉल्वेंसी का लॉ बनाना, इंसॉल्वेंसी की पूरी प्रक्रिया खड़ी करना, और आज जो लोग देश की बैंकिंग सिस्टम के साथ ये खिलवाड़ कर रहे थे, इंसॉल्वेंसी को लाकर उनके दरवाजे तक खड़ा कर देना, ये एक व्यवस्था बनी है। डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से देश में
फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी हो, डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी हो, कैश पे डिसइंसेंटिव हो, एक उस दिशा में लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था को ले जाने का प्रयास था। और मैंने जैसा आरंभ में कहा था कि जीएसटी के माध्यम से एक मॉडर्न एफिशिएंट टैक्स सिस्टम आए, और ये मॉडर्न एफिशिएंट टैक्स सिस्टम असेसी फ्रेंडली भी हो, टैक्सेशन फ्रेंडली भी हो, व्यवस्था सरल हो, और इसलिए कई ऐसे व्यवसाय अब होंगे अपना जीएसटीएन नंबर लेने के बाद केवल उनको एक काम करना है कि अपने हर महीने की ट्रांजैक्शन अगले महीने की 10 तारीख से पहले केवल अपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर दो। जो ऑटो पॉपुलेटेड मैचिंग होगी, रिटर्न्स होंगी, वो सेल्फ जनरेटेड होंगी। मैं केवल एक विषय जो पहले छूट गया था उसका जिक्र करूंगा कि ये जो कुछ लोग तर्क देते हैं कि सिंगल रेट ऑफ टैक्स कर दो या दो रेट कर दो, ये आज संभव नहीं है। आगे जाकर कन्वर्ज कर सकते हैं कुछ टैक्सेशंस, 12% और 18% कन्वर्ज कर सकता है एक फिगर में, लेकिन आज अगर हम 15% का एक सिंगल रेट कर दें तो जिसको जीरो रखा है फूड आइटम्स को, वो तो गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, अमीर ज्यादा देता है, मध्यम वर्ग कम देता है, गरीब बिल्कुल नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। मैं अगर साबुन खरीदता हूं और कोई गरीब आदमी खरीदता है तो हमें एक जैसा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए गरीब की वस्तुओं पे कम लगे या न लगे और जो अमीर की वस्तु है उस पे ज्यादा लगे, मिडिल क्लास पे कुछ कम लगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की ये टैक्सेशन पॉलिसी भी है। संसद में मेरे कुछ मित्रों ने कहा था कि एक रेट कर दीजिए, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि क्या हवाई चप्पल और मर्सिडीज कार पे एक जितना टैक्स होना चाहिए? एक गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज है, आम आदमी की है दूसरा लग्जरी आइटम। और इसलिए टैक्सेशन पॉलिसी में इक्विटी रहे, ये अपने आप में आवश्यक है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये जो कदम पूरे देश ने उठाया है, हर राजनीतिक दल ने, हर राज्य सरकार ने इसमें सहयोग किया है, और इसलिए जब इसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो किसी को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कल घबराए हुए दिख रहे थे और इसलिए अपनी डिस्टेंसिंग कर रहे थे। ये पूरे देश का साझा निर्णय है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्णय का एक बहुत बड़ा लाभ इस देश को आने वाले दिनों में होगा और इस देश की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यवस्था में हम उन दोनों को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने की दिशा में हर साल बढ़ते जाएंगे और उसका सबसे अधिक लाभ असेसीज को होगा और काफी लाभ आप लोगों को भी होगा कि आप लोग अपने ऑफिसेज में बैठे हुए जितनी भी अपना काम है उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचने वाले हैं, वो चल चुके हैं। आप सबका और सीए इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत अभिनंदन, और अगले वर्ष जब आप अपना सीए इंस्टीट्यूट का एनुअल डे मनाएंगे तो
तो मुझे लगता है कि वो जीएसटी डे भी होगा, उसी दिन जीएसटी आरंभ हुआ, ये एक कोइंसिडेंस बना है। एक बार फिर इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षण आप लोग प्रतीक्षा करेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ मिनट में ही यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।